दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी की, तो यार बिना किसी शक के यहाँ पर नाम आता है दुबई का, क्योंकि दुबई ने महज 40 सालों में वो कर दिखाया है जो दुनिया का बड़े से बड़ा देश भी नहीं कर सका है। यहाँ पर हम सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कि है बुर्ज खलीफा से लेकर, अगर हम बात करें मैनमेड आइलैंड्स की, तो सभी में दुबई नंबर वन है। दुबई ने दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग जो कि इम्पॉसिबल दिख रही थी उसे पॉसिबल कर दिया है। 828 मीटर ऊंची बिल्डिंग बनाई है बुर्ज खलीफा, और जो 7-स्टार होटल जो कि दुनिया का एकमात्र 7-स्टार होटल है वो भी दुबई में ही है। तो यार इसका फायदा आखिर क्या है ऐसी चीजों बनाने का? तो इन सब का फायदा ये है कि इससे जो किसी भी सिटी की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से टूरिज्म पर बेस्ड हो जाती है, यानी कि उसका जो पैसा है, उसकी जो कमाई है किसी भी सिटी की, वो टूरिज्म के थ्रू होती है, क्योंकि लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और इन चीजों को देखने आते हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया भी एक ऐसा ही मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उस पर कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दी है, जिसका नाम है द लाइन, और इसे नियोम भी कहते हैं उनकी लैंग्वेज में। दोस्तों ये एक तरह की सीधी लाइन में एक सिटी होगी, एक्चुअली में दो सिटी होगी, लेकिन अभी जो काम शुरू हुआ है वो एक सिटी के लिए हुआ है। इसकी चौड़ाई 200 मीटर और इसकी जो लंबाई है वो हैरतअंगेज तौर पर 170 किलोमीटर रखी गई है। जी हाँ, और इसकी ऊंचाई अगर मैं बात करूँ तो वो 500 मीटर तक होगी। मतलब यार आप लोग देख सकते हैं कि ये सिटी किस तरह की सिटी होगी, एक वर्टिकल सिटी होगी जो कि 500 मीटर की हाइट पर होगी और जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी। अब दोस्तों ये एक स्टेप है उनका टूरिज्म की तरफ, क्योंकि वो अपनी जो ऑयल की इकोनॉमी है, सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी वैसे तो ऑयल पर डिपेंड करती है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि अगले 50 से 60 साल में ऑयल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद उनकी शानो शौकत भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ये मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं ताकि वो भी अपनी इकोनॉमी को टूरिज्म में शिफ्ट कर सके। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि इस टावर का या फिर इस जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी उसकी कीमत $500 बिलियन है, और दोनों की कीमत $1 ट्रिलियन, और ये बहुत 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 ज़्यादा है। मतलब कुछ कंट्रीज़ की टोटल जो इनकम है वो इससे भी कम है। अब द लाइन के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताऊं, तो इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे, जैसे कि हमारे किसी भी शहर में घर होते हैं वैसे इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होंगे, और इसमें कोई भी कार गाड़ी व्हीकल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 5 मिनट की दूरी पर आपको हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, ग्रोसरी होगी, मॉल्स, जो रेस्टोरेंट है वो सब। और तो और बताया ये भी जा रहा है कि ये जो सिटी है वो जीरो कार्बन एमिटिंग सिटी है, यानी कि इसमें कोई भी किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होगा, कार्बन नहीं एमिट होंगे, और ये पूरी सिटी जो है वो सोलर एनर्जी पर चलेगी। मतलब यार आप लोग देख सकते हो कि ये कितना बड़ा स्टेप है एनवायरमेंट की तरफ। लेकिन क्या ये चीज एक्चुअली में सच है? बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि जब ये सिटी बन रही होगी उसके दौरान तो कार्बन एमिशन होगा, और वो कार्बन एमिशन इतना ज्यादा होगा कि वो अगले कितने ही सालों तक इससे जितना भी कार्बन एमिशन ये कम करेगा या फिर नहीं करेगा उसके बराबर ही होगा। तो यार हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि ये जो सिटी बन रही है या बनेगी उसके द्वारा शुरू से लेकर एंड तक ही जीरो कार्बन एमिशन होगा। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी और ऐसी सिटी और ऐसा प्रोजेक्ट बनाना इतना आसान नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलों वाला काम होता है। अगर हम इतिहास में देखें तो सऊदी अरेबिया ने ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश पहले भी की है और बुरी तरह से नाकाम हुआ है। जैसे कि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जद्दा टावर की। जद्दा टावर 1 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे बड़ा टावर होने वाला था, जो कि बीच में ही रोकना पड़ा, उसमें बहुत सारी अड़चने आई। और तो और ये जो प्रोजेक्ट है अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया, ठप पड़ गया, और ये सऊदी अरेबिया की एक नाकामी को भी दर्शाता है उनके मेगा प्रोजेक्ट्स बनाने की होड़ में। तो यार हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो द लाइन बना रहे हैं वो इनके लिए आसान नहीं होने वाली है। हालांकि
इन लोगों का दावा ये है कि 2030 से पहले पहले वो ये द लाइन सिटी को पूरा कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि क्या एक्चुअल में वहां पर 5 मिनट की दूरी पर, 5 मिनट की दूरी पर आपको सारी फैसिलिटीज मिल पाएंगी, या फिर जो जीरो कार्बन एमिशन का जो प्रॉमिस किया गया है कि सिटी में होगा वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा क्या, पूरी की पूरी सिटी सोलर एनर्जी पे चल पाएगी? क्योंकि यार हम भी ये चीज़ जानते हैं कि आज के टाइम में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, और सिर्फ सोलर पैनल पर ही पूरे घर को चलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है, और इस चीज़ को वो लोग कैसे सेट करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो यार आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।